अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने किताब कवल में मौसम पाकिस्तान के मौसम और नज़ारे सफ़ा नंबर 69 उसकी जो मशक रह गई थी वो हमने मुकम्मल करनी है। मज़मून पाकिस्तान सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8। मज़मून पाकिस्तान के मौसम और नज़ारे में इस्तेमाल किए जाने तशबीहात तहरीक। ये तशबीहात मतलब तशबीह का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ की मुमासलत दूसरे से की जाए, मतलब एक को दूसरे से मिलाया जाए, जैसे कि थर के सहरा का मंज़र। इसमें रावी ने, मतलब जो बयान कर रहा है, जिसने ये सारा वाक़या बयान किया है, उसने थर के सहरा के मंज़र को किस से तशबीह दी है? रेत के समंदर की मानत तशबीह दी है। थर के सहरा का मंज़र कैसा था? रेत के समंदर की मानत, दूर तक फैला हुआ, दूर तक रेत ही रेत, मतलब एक किनारे पर खड़े दूसरे किनारे पर रेत ही नज़र आ रही है, कुछ नज़र नहीं आता। इसी तरह रेस्टोरेंट से नीचे इस्लामाबाद की रोशनियाँ जैसे जलमिलाती कहकशां ज़मीन पर उतर आई हो। रेस्टोरेंट से नीचे इस्लामाबाद की रोशनी को अगर देखा जाए तो जिस तरह हम आसमान पर देखते हैं तो सितारे चमक रहे होते हैं, इसी तरह जब रात को हम ऊँचाई पर इस्लामाबाद के उस होटल में खड़े होकर अगर हम नीचे नज़ारा करते हैं तो रोशनियाँ ही रोशनियाँ नज़र आती हैं। इसी तरह सवाल नंबर 6 है कि मज़मून में कुदरती मनाज़र के बारे में इस्तेमाल होने वाले कम से कम 10 अल्फाज और तरकीब की फहरस्त बनाई है, उनमें से 5 को अपने जुमलों में इस्तेमाल किए, जैसे कि इसमें 10 अल्फाज कौन कौन से थे? चल चलाती धूप, ठाठे मारता समुंदर, डूबते सूरज, हरे भरे खेत, बर्फबारी, रेत के समुंदर, गर्म खुश फिजा, बर्फानी सहरा, यखबस्ता हवा, बर्फ पोश चुके, ये सारे जो हैं ये कुदरती मनाज़र के ये इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज हैं। और उनमें हमने पहले 5 जो अल्फाज हैं उनके हमने जुमले बनाए हैं। कराची में कभी चिलचिलाती धूप और कभी मौसम अबर आलूद होता है। मैंने ठाठे मारता समुंदर, मैंने एक उफक से दूसरे उफक तक आवाम का ठाठे मारता समुंदर देखा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक बस आवाम की आवाम, लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। डूबते सूरज, मतलब जब सूरज ग्रूब हो रहा होता है समुंदर के किनारे, डूबते सूरज का मंजर बहुत दिलकश लगता है। हरे भरे खेत, गांव में हर तरफ हरे भरे खेत और लहलहाती फसलें देखकर तबीयत बाग बाग हो जाती है। बर्फबारी, आजकल सर्दी का मौसम है और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि फेज़ बख्श पोश के लाखों के दो अल्फाज बनाएँ। आपने इनके दो अल्फाज हर के लाखे के दो अल्फाज बनाने, जैसे फेज़ से ज़र फेज़ और नो फेज़, बख्श सेहत बख्श नफा बख्श, पोश बर्फ पोश मेज़ पोश, चिलचिला। अब आपको यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए, आपने उसके साथ सिफ्ट बनानी है। इसमें आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने आपने इन अल्फाज के साथ सिफ्त लगानी, जैसे कि धूप है, धूप के साथ हम इसकी कोई भी सिफ्त लगा सकते हैं, तेज धूप, हल्की धूप, चिलचिलाती धूप, उसके अलावा बारिश, बारिश के साथ मूसलाधार बारिश, स्वेटर, स्वेटर के साथ ऊनी स्वेटर, समुंदर गहरा समुंदर, फूल सुर्ख फूल, पानी ठंडा पानी, मंजर खूबसूरत मंजर, तवील शहर शहरा तवील शहरा, दरिया दरिया पतले, बड़ा दरिया पतले दरिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मुकाम पुरफजा मुकाम, सफ़र खतरनाक सफ़र, मतलब आप कोई भी इन अल्फाज के साथ जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जो अंडरलाइन अल्फाज इनके जैसे लाइन खेची गई जो सिफ्ट है, आप इनके साथ इन अल्फाज के साथ कोई भी सिफ्ट लगा सकते हैं जो इनके साथ मुनासिब लगती है। ये काम आपने अपनी नोटबुक पे करना है और आपका आंसर इसके पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। शुक्रिया।